स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चे, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपके यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट किया था और उसके अंतर्गत आनुवांशिकी और विविधता के सिद्धांतों पर चर्चा की थी। और उसी के तारतम्य में आज हम करने जा रहे हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो बच्चों, ये नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी ये आते हैं, अपन इसको डिस्कस करते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो नियमों का वर्णन किया है, परंतु बाद में कुछ लेखकों ने प्रभाविता के नियम के गुण को भी एक नियम के रूप में वर्णन किया। प्रभाविता का गुण वास्तव में मेंडल का एक ऑब्जर्वेशन था। मेंडल के प्रभाविता के गुण को यदि नियम माना जाए तो मेंडल के तीन नियम निम्न प्रकार से हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, अर्थात प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण विसंयोजन का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम, अर्थात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। थर्ड जो है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको हम एक घटना से समझ सकते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति विशेष से मिलने जा रहे हैं, कहीं मीटिंग है, तो क्या होता है, सबसे पहले हम उसको देख करके अपने मन में एक अवधारणा बनाते हैं, उसके प्रभाव और अप्रभावों का वर्णन करते हैं। कोई व्यक्ति आपको बहुत प्रभावी करता है, कोई व्यक्ति आपको प्रभाव नहीं डालता। इसके बाद आप पृथक हो जाते हैं कि आपको किसको ज्यादा प्रभावी रूप में रखना है या सबको अलग अलग ढंग से सेग्रीगेट करना है। तीसरा, बिल्कुल इसी से, इसके बाद आप अपने स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हैं, जो कहला जाता है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया ताकि आपको तीनों नियम थोड़ा ध्यान रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली क्या है, मेंडल ने नियम नहीं बनाया, उसने सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे, जिसके आधार पर ह्यूगो ड्रीविच, कार्ल लॉरेंस जैसे वैज्ञानिकों ने इनको नियम में आबद्ध किया। नियम क्या कहता है कि जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर किन्हीं दो विशुद्ध समयुग्मजी जीवों में क्रॉस कराया जाता है, तो जोड़े का केवल एक लक्षण ही प्रथम पुत्री पीढ़ी में दिखाई पड़ता है। पहला नियम क्या कि जब दो विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर समयुग्मजी जीवों में क्रॉस कराया जाता है, तो जोड़े का केवल एक लक्षण ही प्रथम पुत्री पीढ़ी में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार F1 पीढ़ी में केवल एक ही प्रकार का लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप दिखाई पड़ता है। F1 में दिखाई पड़ने वाला लक्षण प्रभावी तथा दूसरा ना दिखाई पड़ने वाला लक्षण अप्रभावी कहलाता है। यह नियम उन सभी जगह लागू होता है जहां एक लक्षण दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। अब ये नियम था, आपने पढ़ा, अब हम इसको समझेंगे। क्या बोल रहे हैं, एक जोड़ा विपरीत लक्षण, तो लक्षणों का जो जोड़ा कहलाता है वो क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। किन्हीं दो विशुद्ध समयुग्मजी, समयुग्मजी मतलब शुद्ध, जैसे यदि हम कहें कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी को पहले बच्चों आप समझो, यदि दोनों में एक ही प्रकार के लक्षण, एक ही प्रकार के लक्षण यानी एक ही टाइप के हैं, तो वो हो गए समयुग्मजी। यदि मान लीजिए इसी गैम क्रोमोसोम के अंतर्गत जीन में एक इस प्रकार का और एक इस प्रकार का हो, तो ये कैसा हो जाएगा, विषमयुग्मजी। ये हो जाएगा विषमयुग्मजी, अर्थात गैमेट जो है वो कैसे हैं, इसके जो गैमेट आएंगे विषम तरीके, और इसमें सम यानी एक ही लक्षण का शुद्ध कहलाते हैं, इसको शुद्ध भी कहा जाता है। समयुग्मकी शुद्ध लक्षण कहलाते हैं, विषमयुग्मजी कैसे होते हैं, संकर लक्षण कहलाते हैं, हाइब्रिड कहलाते हैं। अब इनके जो गैमेट बनते हैं उनसे जो पहली जनरेशन प्राप्त होती है उसको कहते हैं F1 या F1 पीढ़ी, और फिर अगेन इस F1 पीढ़ी में दोबारा जब क्रॉस होता है दूसरी पीढ़ी प्राप्त होती है उसको कहते हैं F2 पीढ़ी। और अब हम इसको क्लियरली समझेंगे।
मान लीजिए शुद्ध युग्मज, हमारे पास एक लंबा पौधा जिसको हमने किससे दर्शाया, टी टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी से, और एक और है बोना पौधा जिसको हमने दर्शाया स्मॉल टी से। तो ये हो जाएगा लंबा पौधा और ये हो जाएगा बोना पौधा, हाइट के अकॉर्डिंग एक लक्षण लिया मेंडल ने हाइट के लिए। अब इसके जब गैमेट बनेंगे तो इसका जो गैमेट बनेगा वो कैसे बनेगा, लंबा पौधे के गुण दर्शाते हुए, और इसका भी जो गैमेट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्मॉल टी बोने पौधे के लक्षण को शो करते हुए। जब इनमें क्रॉस कराएंगे अर्थात इनमें परागण की क्रिया होगी और जो नई पीढ़ी प्राप्त होगी उसमें जो बनेगा उसमें दोनों के लक्षण, यानी लंबे पौधे का भी जीन्स रहेगा और बोने पौधे का भी। अब हमें ये ध्यान देना है कि यहां पर F1 पीढ़ी बनेगी, ये बन गई F1 पीढ़ी। इस F1 पीढ़ी में अब दोनों हो गए, लंबे के भी जीन्स आ गए और बोने पौधे के भी जीन्स आ गए। तो अब ये तो उसको डिसाइड होगा ना कि अगली पीढ़ी का पौधा लंबा होगा या बोना। तो यहां पर आता है प्रभावी, कि जो लक्षण प्रभावी होगा, ज्यादा कैसा होगा, डोमिनेट करेगा, उस लक्षण के वही लक्षण जो है F1 पीढ़ी में दिखाई देंगे। तो जो पीढ़ी से जो पौधे उत्पन्न होंगे वे सभी कैसे होंगे, लंबे होंगे, लंबे पौधे प्राप्त होंगे। इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम, अर्थात जब शुद्ध युग्मज जीवों में क्रॉस कराया जाएगा तो जो F1 पीढ़ी उत्पन्न होगी उसमें वही लक्षण दिखाई देगा जो प्रभावी होगा, जबकि जो दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देगा उसको अप्रभावी लक्षण कहेंगे। लेकिन मेंडल का ये नियम यूनिवर्सली बिल्कुल फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर मेंडल के नियम के हिसाब से देखें तो मनुष्यों की जो त्वचा का रंग है वो दो प्रकार का, या तो बिल्कुल काला होना चाहिए या फिर बिल्कुल गोरा होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं ना, गोरे और काले के बीच में भी कई इसके कलर के शेड दिखाई दे जाते हैं। तो ऐसा प्रभाविता का जो नियम है मेंडल का वो सर्वमान्य नहीं हुआ। अब देखते हैं मेंडल का दूसरा नियम, पृथक्करण विसंयोजन का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। मेंडल ने इस ऑब्जर्वेशन के दौरान यह बताया कि भले ही लक्षण प्रभावी और अप्रभाविता के कारण दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन वे शुद्ध रूप से उपस्थित रहते हैं तथा जब भी इनको मौका मिलता है तो ये अपनी अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से अलग होकर के शुद्ध हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो एक लाल फ्लावर है, यानी रेड फ्लावर, जिसका हमने गैमेट्स लिया लाल रंग से, उसका गैमेट, इसको हमने शुद्ध शुद्ध एक लक्षण दिया लाल फ्लावर, यानी लाल पुष्प। और स्मॉल आर किसको डिनोट किया हमने, सफेद पुष्प से। तो जब इसका गैमेट बना तो कैपिटल आर और स्मॉल आर से हमने इसको दर्शा दिया। तो ये रेड फ्लावर का और ये व्हाइट फ्लावर का, इसमें क्रॉस कराया तो जो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, यानी हाइब्रिड जिसको हम कहेंगे विषम युग्मजी पीढ़ी प्राप्त हुई, वो कैसी हुई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, अर्थात सारे प्रभाविता के नियम के हिसाब से सारे फ्लावर कैसे थे, पूरे रेड थे, रेड फ्लावर थे। अगेन जब इसमें स्वपरागण की क्रिया हुई, अगेन इसमें क्रॉस हुआ, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इनके गैमेट्स अलग अलग हो गए, यहाँ पर आर 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 आर। जब इनमें क्या हुआ, क्रॉस हुआ और उसके बाद इनमें बना, तो देखो ये आर कैपिटल आर और कैपिटल आर बन गए, इसका मतलब इसमें कौन सा गुण आ गया, प्रभाविता का, तो ये हो गए रेड फ्लावर बन गए। इसी प्रकार यहाँ पर ये आर और ये आर मिला तो क्या बन गए, कैपिटल आर अगेन यहाँ आया तो फ्लावर का कलर कैसा आया, रेड आया। फिर हम यहाँ देखें, यहाँ स्मॉल आर है यानी सफेद पुष्प और यहाँ पर लाल पुष्प, यहाँ पर लाल पुष्प डोमिनेट हुआ तो ये पुनः लाल बन गया। लेकिन पृथक्करण कैसे हुआ,
यहाँ पर भी सफेद पुष्प का गैमेट यानी आर और यहाँ पर भी आर है, तो दोनों स्मॉल आर स्मॉल आर मिलकर के क्या बन गए, सफेद पुष्प बना लिया। तो इससे ये शो हुआ कि जब इनको बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं, इनके एक दूसरे को क्या करते हैं, लक्षणों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन युग्मकों के निर्माण के समय ये पूर्ण रूप से शुद्ध और अलग हो जाते हैं। तो बच्चों ये था मेंडल के नियम में पहला नियम, प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण अथवा विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब हम पढ़ेंगे तीसरा नियम। अब देखते हैं तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। सबसे पहले जब दो या दो से विपरीत लक्षण यदि सिंगल लक्षण में क्रॉस होता है, जैसा कि हमने पहले नियम और दूसरे नियम में देखा, तो उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब दो लक्षणों को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाता है तो उसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जो तीसरा नियम है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर है। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच हम क्रॉस कराते हैं तो जो लक्षणों की जो वंशाकृति है वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं होती, वे स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, इसलिए इसको स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम कहते हैं। अब हम देखते हैं दो लक्षण ले लेते हैं मटर के पौधों में। जैसे एक लक्षण हमने ले लिया गोल, दो लक्षण लिए एक में, एक मटर के बीज में गोल और पीला, अर्थात बीज कैसा है, गोल है और पीला उसका बीज पत्र है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा लक्षण लिया हमने कि बीज कैसा है, झुर्रीदार है और उसका बीज पत्र कैसा है, हरे रंग का है। तो गोल बीज को हमने दर्शाया कैपिटल आर से, हरे को हमने झुर्रीदार बीज को दर्शाया हमने स्मॉल आर से, पीले बीज पत्र को हमने कैपिटल वाई से दर्शाया और हरे बीज पत्र को हमने स्मॉल वाई से दर्शाया। अब हम देखें इसको आगे किस प्रकार समझते हैं। अब यहां देखिए जब इसके गैमीट्स बने तो आर के साथ वाई ब्राउन येलो, फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर रिंकल येलो के जो गैमीट है आर वाई आए। अब यहाँ पर क्या हुआ, F1 पीढ़ी में राउंड येलो बीज मिले क्योंकि इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई मौजूद था, ये डोमिनेट था। अगेन इसमें हमने सेकंड फिर से क्रॉस कराया तो इसके जो हमको गैमीट्स मिले वो कैसे मिले, इसके मिले हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक इसी प्रकार से गैमिट्स यहाँ पर भी हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर अगेन स्मॉल वाई, इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब हम जब देखते हैं यहाँ पे क्रॉस तो ये जो बोर्ड बना इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं या चेकर बोर्ड भी कहा जाता है। हम इसमें इसके सभी संभावित जो लक्षण हैं उन पे देखेंगे। तो हमने इसको इससे मिलाया, कैपिटल आर और कैपिटल वाई मिलके बन गए आर आर वाई वाई, अर्थात जो बीज होगी उसकी प्रकृति कैसी होगी, राउंड और येलो होगी। अगेन फिर हमने इसके गैमेट्स को मिलाया कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई, तो बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अगेन जो बीज बना वो कैसा बना, राउंड और येलो बना। नेक्स्ट देखें हम, अगेन फिर से कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, बीज कैसा बना, बीज की प्रकृति बनी कैसी, राउंड और येलो बनी। फिर से देखें हम, फिर से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो बीज बना राउंड और येलो। नेक्स्ट लाइन में देखें, यहाँ के गैमीट का जब मिलान हुआ स्मॉल आर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, तो बीज कैसे बने, राउंड और येलो। अब यहाँ देखें, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो बीज कैसे बना, रिंकल्ड, स्मॉल आर हो गया तो बीज कैसा हो गया, रिंकल्ड हो गया, झुर्रीदार हो गया, और कैपिटल वाई मिल रहा तो बीज का कलर येलो हो गया। अगेन देखें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो कैसा बन गया, आर कैपिटल है तो बीज राउंड और कैपिटल वाई तो बीज पीला बना।
अगेन देखें, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैप स्मॉल वाई, तो क्या बना आर आर कैपिटल वाई कैप स्मॉल वाई, तो बीज बना रिंकल्ड और येलो, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल येलो मौजूद है इसका गैमेट। नेक्स्ट लाइन में हम देखें, फिर से हम मैच मिलाए आर और आर, तो कैपिटल आर आर हो गया। अगेन यहाँ कैपिटल वाई है, यहाँ स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अर्थात यहाँ पर बीज बना राउंड और येलो, क्योंकि दोनों मेन उसमें प्रभावी कैरेक्टर थे। फिर यहाँ देखें, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो बीज बना राउंड और येलो। अगेन यहाँ देखें, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो क्या बना राउंड और ग्रीन बना। क्यों बना ग्रीन? क्योंकि यहाँ पर गैमेट जो है वो स्मॉल वाई है। फिर देखें, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो क्या बन गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर अगेन स्मॉल वाई वाई, अर्थात बीच कैपिटल आर होने के कारण राउंड बना और स्मॉल वाई होने के कारण बीज पत्र का रंग ग्रीन हो गया। अगेन देखें, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड और येलो, जैसा कि इन बीज में देखा हमने। नेक्स्ट देखें, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो आर आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो बीज बना, चूंकि यहाँ पे स्मॉल आर है तो रिंकल्ड, और कैपिटल वाई होने के कारण बीज येलो कलर का बना। अगेन देखें, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो बीज बना कैपिटल आर होने के कारण राउंड, और स्मॉल वाई दोनों में होने के कारण बना ग्रीन कलर का। लास्ट में हम देखते हैं, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई मिलके बन गया पुनः वैसे ही झुर्रीदार और हरा। यहाँ पर हमने इसके 16 संभावित लक्षण बनाए चेकर बोर्ड में। जब हम देखते हैं इनका रेशो, तो राउंड और येलो बीज कितने हैं हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड और येलो बीज कितने हो गए, 9 हो गए। इसके बाद रिंकल्ड येलो अर्थात झुर्रीदार और पीले बीज कितने हैं हम गिनेंगे, 1 2 3, कितने बने 3, 1 2 एंड 3 बने। देन राउंड और ग्रीन बीज कितने, राउंड एंड ग्रीन वाले कितने थे, 1 2 एंड 3। और इसके बाद अगर हम देखें रिंकल्ड और ग्रीन, तो रिंकल्ड और ग्रीन जो बना वो सिर्फ एक बना। अब अगर हम इन चारों के लक्षण लिखें, लक्षण प्रारूप लिखें, तो पहला हो गया हमारा गोल एवं पीला, दूसरा झुर्रीदार और पीला, तीसरा गोल और हरा, चौथा झुर्रीदार और हरा। तो गोल एवं पीले बीजों की संख्या कितनी है, 9 हमने निकाल ली। झुर्रीदार और पीले बीज कितने हो गए, 3 हैं जो हमने यहाँ लिख दी। फिर गोल और हरे बीज कितने हैं, 3। अगेन रेशो बनाया, रिंकल्ड और हरा बीज कौन सा है, वो है 1। तो 9:3:3:1, इस प्रकार का हमको फीनोटिपिक रेशो प्राप्त हुआ। या अर्थात इसके फीनोटिपिक प्रारूप से हमको ये पता चलता है कि दो लक्षण अपने ओरिजिनल लक्षण थे, गोल पीला और झुर्रीदार हरा, ये दो लक्षण पेरेंटल जैसे थे, परंतु ये जो दो लक्षण थे ये कैसे थे, असमान थे। इसमें जिस जीन या जिस लक्षण की प्रभाविता थी वो स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर लिया, अर्थात एक लक्षण ने दूसरे लक्षण को क्या किया, कोई भी मतलब उसमें अपना प्रभाव नहीं छोड़ा, एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया, वे स्वतंत्र रूप से दिखाई दे गए। इस गुण को कहते हैं स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। अब हम देखेंगे मेंडलवाद का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलवाद के प्रमुख महत्व क्या है, मेंडलवाद के आधार पर उच्च लक्षणों वाली संतानों को प्राप्त किया जा सकता है, रोग प्रतिरोधी पौधों की किस्मों का विकास किया जा सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रभावी लक्षण हो। तीसरा, उन्नत किस्में बनाकर उनके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। चौथा, आनुवंशिक रोग की खोज एवं उसके निदान में प्रयोग होता है। पांचवा, मेंडलवाद द्वारा आनुवंशिकता के सिद्धांत को समझने में काफी मदद मिली है। छठवा, मेंडलवाद का उपयोग मात्र पौधों में ही नहीं अपितु जंतुओं की अच्छी गुणों वाली नस्ल को उत्पन्न करने में किया जा सकता है। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और आपके इससे रिलेटेड है कि नॉर्मन बोरलॉग जो थे वैज्ञानिक, उनको गेहूं की अच्छी उपजाऊ किस्म
के निर्माण हेतु नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में आ सकता है। तो बच्चों ये थे मेंडलवाद, उसके तीनों नियम और उसका महत्व। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंडलवाद से विचार।